वेलकम टू माई चैनल कुमार निशांत ऑफिशियल। मैं हूँ कुमार निशांत और कुमार निशांत ब्लॉग्स में आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ दलमा। जी हाँ, जमशेदपुर से 40-45 किलोमीटर दूर। और यहाँ आने के लिए दो तीन चीज़ें बिल्कुल आप गार्ड बांध लें अगर आ रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले भी। गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि रास्ता बिल्कुल ख़राब है। एंड साथ में खाने पीने की चीज़ें ज़रूर साथ लेके आए क्योंकि रास्ते में जब आप दलमा के गेट से अंदर आते हैं और 20-25 किलोमीटर तक आपको जाना होता है और फिर दलमा में घूमेंगे फिर रिटर्न होंगे, इस बीच में आपको कहीं भी कुछ भी खाने पीने की चीज़ नहीं मिलेगी। तो साथ में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, स्नैक्स, जो भी आपको पसंद है वो अपने साथ ज़रूर लेके आए। और काफ़ी खूबसूरत जगह है दलमा, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ की कह सकते हैं कि नेचुरल ब्यूटी जो है वो गज़ब की है। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि झारखंड स्टेट की ये जगह मतलब इतनी खूबसूरत तो है ही है और क्यों आखिर अट्रैक्ट करती है सभी टूरिस्ट को अपनी ओर। सो चलिए शुरू करते हैं एंड मैं कोशिश करूँगा कि जिस हद तक भी हो मैं एक्सप्लोर करूँ दलमा को। सो अभी फ़िलहाल मैं दलमा टॉप जाने से पहले बीच में रुका हुआ हूँ और रीज़न ये है कि यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं घूमने के लिए और आप चाहते हैं कि एक या दो दिन यहाँ पर रुकें और रुक के नेचुरल ब्यूटी जो है वो बहुत करीब से देखें तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गेस्ट हाउस है एंड इस गेस्ट हाउस में आप पहले से बुकिंग करवा सकते हैं एक दो दिनों के लिए और यहाँ पे आप कमरा बुक करके रुके, पूरी फैमिली के साथ भी रुक सकते हैं। सारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे हैं जो आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। अगर आप चाहते हैं कि नेचर से बड़ा प्यार है और ऐसी जगह पे एक दो दिन गुजार रहे हैं आपको तो वो आप यहाँ पे गुजार सकते हैं। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको सबसे ज़्यादा हाथी मिलेंगे और ये कहते हैं कि मौसम जब चेंज होता है स्पेशली मानसून के टाइम में तो बंगाल से काफ़ी हाथी जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। काफ़ी स्पेस है, बहुत बड़ा ये सेंचुरी है और इतनी जगह है। ख़ास गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है इसे और भी खूबसूरत बनाने की एंड स्पेशली हर समय आप यहाँ जब भी आएंगे तो आप देखेंगे कि या तो सड़क का काम चल रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन जो है गेस्ट हाउस हो गया या फिर कई और सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पे काम चलता रहता है। गवर्नमेंट को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी खूबसूरत जगह जो झारखंड में है इसे और भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए एंड स्पेशली झारखंड टूरिज़्म को इसे कई गुना ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि बाहर से जो टूरिस्ट हैं वो इस जगह पर आएँ और इस खूबसूरत जगह को एक बार देख सकें।
ओके सो अब देख पा रहे होगे मैं हाफ रहा हूँ, और रीजन ये है कि अभी फिलहाल मैं दलमा टॉप पे जा रहा हूँ, और नीचे गाड़ी लगा के तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचते पहुँचते आप बिल्कुल थक जाएंगे, और वो रीज़न क्या है वो आपको बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल नीचे से हम ऊपर आ रहे हैं, राइट साइड में ऊपर एक मंदिर है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेफ्ट साइड आएंगे तो ये जो यहाँ से जो व्यू है वो एक ऐसा व्यू है ना जो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। ये सामने इस खूबसूरत जगह पे आके आपका दिल आपसे कहेगा कि यार बस अब यहीं रुकते हैं, यहाँ से नहीं जाते। बड़ी खूबसूरत जगह है, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप अकेले भी हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी फ़िलहाल अकेले हैं, तो वो भी यहाँ आए। दलमा टॉप यहाँ आने के अपने एक्सपीरियंस को मैंने आपके साथ शेयर किया, और रीज़न ये कि यहाँ जब आप आएंगे ना, आपको इन बातों का प्लीज़ ख्याल रखना है कि पीने का पानी मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत लाइटली ले लें, लेकिन जब आप यहाँ ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल टॉप तक नहीं आएगी, तो काफ़ी प्यास लगेगी आपको और काफ़ी परेशानी होगी अगर आप पीने का पानी नहीं साथ लेके आते, तो ये ज़रूर लेके आएँ। और बच्चों के साथ अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ख़ास इंतज़ाम जो है वो ज़रूर कर लीजिए। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, एंड आपको यहाँ से क्या दिखता है, दलमा टॉप पे जब आप आते हैं तो यहाँ से सब कुछ दिखता है, पूरे जमशेदपुर शहर को आप देख सकते हैं, एंड आसपास के इस बड़े से जंगल को भी। फिलहाल कोशिश करता हूँ कि आपको सारा कुछ दिख जाए, और मेरे जस्ट पीछे आप जब यहाँ आएंगे आपको ये मंदिर दिख रहा है, राइट। ये मंदिर जो है वो हनुमान जी का मंदिर है, जस्ट इसके नीचे एक और मंदिर है जो कि शिव जी का है। मैंने किसी से पूछा था कि आखिर वहाँ किसका मंदिर है, तो मुझे उसने बताया कि उन्हीं का जो सबसे टॉप पे है। अभी फ़िलहाल ये पूरा पीछे जो आप शहर देख रहे हैं, ये शहर है जमशेदपुर, काफ़ी अच्छी जगह है, और यहाँ इस टॉप पे आने के बाद महसूस खूबसूरती किसे कहते हैं। जब भी आप झारखंड आए, झारखंड स्टेट में आए, और कभी जमशेदपुर आना हो या फिर रांची कभी आना हो, प्लीज़ आप एक बार यहाँ ज़रूर आए। काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं जो आप घूम सकते हो, जो और किसी भी स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। हम कहाँ से आ रहे हैं वो आपको एक अंदाज़ा लगेगा, कितनी ऊँचाई होगी वो आप देख सकेंगे जस्ट अ सेकेंड। We'll be right back.
अभी जिस मंदिर से हम आ रहे हैं वहाँ के बारे में ये कहते हैं कि ये जब भी महाशिवरात्रि होती है यहाँ पर तो यहाँ तकरीबन 40-50 हज़ार लोगों की भीड़ आती है। काफ़ी फेमस मंदिर है ये और यहाँ लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रेगुलर डेज में भी आते हैं, बट सबसे ज़्यादा महाशिवरात्रि के टाइम पे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूँगा आपसे अपने एक नए वीडियो के साथ जब मैं आपको लेके जाऊँगा किसी और मज़ेदार जगह। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, एंड लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।